ऑसिलेशंस ऑफ अ बॉल इन अ नेक ऑफ एन एयर चैम्बर, मतलब ये भी क्या सिचुएशन देखो। वो कहता है देखो एक ना एयर चैम्बर, इसमें हवा है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है। तो हुआ क्या, पहले ये बॉल जो है ना बिल्कुल टाइटली फिक्स्ड है यहाँ पे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा वॉल्यूम वी है एयर का, एयर ही एयर थी। आपने इस बॉल को हल्का सा नीचे डिस्प्लेस कर दिया बाय डिस्टेंस ऑफ वाई, तो आपने ये वाली हवा को नीचे भेज दिया, तो एयर नीचे की क्या हो गई, कंप्रेस हो गई। बल्क मॉडुलस की एप्लीकेशन है कंप्रेसिबिलिटी, जब एयर या पानी कंप्रेस होता है तो बल्क मॉडुलस आने वाला है। तो एयर कंप्रेस कर दी, प्रेशर बढ़ गया, नीचे प्रेशर बढ़ गया, जब आपने बॉल को छोड़ा उस प्रेशर ने उठा के बॉल को ऊपर फेंक दिया, फिर बॉल ज़्यादा ऊपर चली गई, अपने वेट के चक्कर में नीचे आ गई, उसने एयर को कंप्रेस कर दिया, एयर के प्रेशर ने फिर उसको ऊपर भेज दिया, तो ये बॉल ऊपर नीचे ऑसिलेट करेगी। प्रूफ करो ये SHM में, ठीक ऐसी प्रॉब्लम है। तो बेसिकली मेरे को ये बताना है मुझे इसमें क्या ढूंढनी है, रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स क्यों होगी, क्योंकि आप जबरदस्ती इसको नीचे लेके आ रहे हो, एयर कंप्रेस हो गई, बल्क मॉडुलस से प्रेशर निकलेगा, प्रेशर इनटू एरिया फोर्स निकलेगी। तो कैसे, मान लो यहां से यहां तक का टोटल वॉल्यूम शुरू में वी था, वी वॉल्यूम है और एरिया ए था, बॉल का मास एम है। आपने बॉल को प्रेस कर दिया, प्रेस करके चेंज इन वॉल्यूम कितना आया, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है और ये ए है, ए इंटू वाई वॉल्यूम अंदर घुस गया, ये एरिया है ये वाई है, तो ए इंटू वाई वॉल्यूम अंदर घुस गया, तो ए इंटू वाई अंदर घुस गया, तो डेल्टा वी का मतलब क्या है, ए इंटू वाई, तो चेंज इन वॉल्यूम हो गया ए इंटू वाई, वॉल्यूम डिक्रीज हो गया, एयर कंप्रेस हो गई ए इंटू वाई से, तो स्ट्रेन क्या हुआ, डेल्टा वी बाई वी स्ट्रेन है वॉल्यूमेट्रिक, तो डेल्टा वी ए इंटू वाई अपॉन वी। बल्क मॉडुलस क्या होता है, माइनस पी अपॉन डेल्टा वी बाई वी, डेल्टा वी बाई वी हमारे पास है, हमने पुट कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, यहां और यहां कंपेयर करके किसकी वैल्यू आ गई, प्रेशर की वैल्यू आ गई, तो ये क्या आ गया, एयर का प्रेशर आ गया, तो एयर के प्रेशर को एरिया से मल्टीप्लाई किया, तो यह नेगेटिव लगा लेना, ये क्या कहलाएगी, रिस्टोरिंग फोर्स। तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या, जो एयर का प्रेशर होगा जो आपने बल्क मॉडुलस से निकाला, इसको आप एरिया से मल्टीप्लाई करें, तो फोर्स आ गई, ये जो मल्टीप्लाई करके आई है रिस्टोरिंग फोर्स है। इस रिस्टोरिंग फोर्स ने बॉल को उठा के ऊपर फेंका, तो बॉल का फोर्स क्या है, मास इनटू एक्सेलेरेशन, मास नीचे आ गया, एक्सेलेरेशन प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट विद नेगेटिव साइन, SHM की इक्वेशन लिखी, कंपेयर करके ओमेगा निकाल लिया, ओमेगा 2 पाई बाई टी आ गया, टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया, तो लिख लो टाइम पीरियड का फॉर्मूला, 2 पाई अंडर रूट ऑफ वी फॉर वॉल्यूम ऑफ एयर, एम फॉर बॉल का मास, बी फॉर बल्क मॉडुलस, ए फॉर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ नेक। ये फॉर्मूला लिखो, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया। तो इस टाइम पीरियड के फॉर्मूले में स्पेशल केस है, अगर ये प्रोसेस आइसोथर्मल है, कंप्रेशन हो रहा है आइसोथर्मली, तो थर्मोडायनेमिक्स याद करो, हमने क्या किया था, बल्क मॉडुलस आइसोथर्मल के केस में क्या होता है, पी के इक्वल, और एडियाबैटिक में क्या होता है, गामा इंटू पी के इक्वल। तो आप ऊपर वाले फॉर्मूले में बल्क मॉडुलस को पी पुट कर दें और एडियाबैटिक में गामा इंटू पी पुट कर दें, ये भी दो स्पेशल केस साथ ही साथ लिख लो।